पुष्पा जी, वो फाइल मैडम सर को मिस कर रही है ना? मैं भी. हम भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं मैडम सर को. कितना सोना सोना लग रहा है ना थाना उनके बिना. तजुर्बा कहता है हमारा, लब गुमसुम है पर करार नहीं, जिंदगी गुम है पर फरार नहीं. करे कौन शायरी का किताब चबा के आया है तुम? हम ऐसे है चिता चतुर्वेदी, ध्यान में रखिए. हम जानते हैं आप सब हमको मिस कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए एक बात को, आप सब हसीना मलिक में हैं और हसीना मलिक आप सब में. ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर. मेरा तजुर्बा गाता है. जय मैडम. जय हिंद का चल रहा है बे? ना मजाक उड़ाया जा रहा है मैडम सर का? नहीं करिश्मा मैडम, वो तो मैडम सर हफ्ते भर के लिए नहीं है ना, और डिपार्टमेंट ने ऐसी जगह पोस्टिंग की है कि ना वो हमसे बात कर सकते ना हम उनसे बात कर सकते हैं. तो देखो सब कैसे उदास अपसेट है, तो मैं बस दिल बहला रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं. देखो तुमने किया बहुत बड़ा गलती बिल्ले, अब तुम्हें इसका मिलेगा सजा. और तुम्हारा सजा है कि तुम बनोगे हवाई जहाज और फौरन उड़ोगे. जाओ उधर जाओ, चलो उधर चलो. हसीना मैडम कहाँ है? हमें मेहरबानी करके उनसे मिलवाइए ना, हमें बात करनी है हसीना मैडम से. पानी पानी पियेंगी? पानी पियेंगी? नहीं नहीं, ये हमारी हिचकी की बीमारी है. डॉक्टर को दिखाया था लेकिन इसका कोई इलाज नहीं निकला है. कभी कभी तो एक साल तक नहीं आती है. हाँ. और कभी कभी तो एक मिनट में 10 बार आ जाती है. देखिए क्या है ना, हसीना मैडम है नहीं, वो एक हफ्ते के लिए बाहर गई हैं. तो आपका जो भी समस्या है वो अगर आप सही समझे तो हमें बता दीजिए, हम थोड़ा आपका समस्या का हल निकालते हैं. बताएंगे आप? जी हमारी बहू है निशा, उसने अपने पति को 2 साल पहले खो दिया. विधवा है बेचारी. अभी पता नहीं कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा डरी डरी सहमी सहमी और घबराई हुई सी रहती है. न किसी से बात करती है, न बाहर निकलती है. हमने कई बार पूछा उससे लेकिन वो कुछ नहीं बताती है हमें. नहीं हम समझ नहीं पा रहे, मतलब कि चक्कर का है, मतलब ऐसा का है वो इतना डर रही है एकदम से? कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा? देखिए होता ये है कि जैसे फोन की घंटी बजती है ना. हाँ. तो वो कांप जाती है. अगर कोई दरवाजे पे दस्तक देता है तो वो सहम जाती है. क्या हुआ माँ? वो दरवाजे पे. मेरी बहू जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है मैडम. देखिए आप एक तो घबराइए नहीं, आप एक काम कीजिए, आप अपनी बहू को यहाँ ला सकती हैं, हमें मिलवा सकती हैं उनसे. नहीं नहीं वो यहाँ नहीं आ सकती है, वो अपनी तकलीफ जब हमें नहीं बताती है तो पुलिस को क्या बताएगी. मैडम आपको ही हमारे घर पे आना पड़ेगा, लेकिन पुलिस बनकर नहीं, घर परिवार का सदस्य बनकर. हमें लगता है कि उसे कोई डरा रहा है, धमका रहा है. आप कोशिश कीजिए ना उसके मन की बात जानने की, हो सकता है कि वो अपनी परेशानी आपको बता दे. बिल्कुल बताएगी, बिल्कुल बताएगी, और हम आएंगे आपके घर में, समस्या का हल निकालेंगे. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. धन्यवाद मैडम, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी. संतु तुम हमारे साथ चल रही हो, जाके चेंज कर लो. ओके. थोड़ा सिंपल, थोड़ा घरेलू वैसा टाइप. संतोष जी आप साधारण कपड़ों में भी असाधारण ही लगती हैं, कोई नॉर्मल है. मीरा किधर है? मीरा. यस मैडम. मीरा तुम्हें बिल्ले पर नजर रखना है, ध्यान रहे कि वो आसमान से जमीन पर ना है, समझ गई? ओके मैडम. आप अपना डिटेल सारा पुष्पा जी को लिखवा दीजिए. संतोष चलो. मैडम 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 तब तक तो ये जहाज क्रैश हो जाएगा मैडम. मीरा जी आप इस तरह से मत देखो, कहीं हो जाएगा. आओ आओ बेटा. अरे निशा इनसे मिलो, हमारी गाजियाबाद वाली सहेली है ना सुधा, उनकी बेटिया है, लखनऊ घूमने आई है. नमस्ते. हाय. नमस्ते. आओ बेटा अंदर आओ. आंटी. हाँ. कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लग रही है ना. हाँ. मैं बहुत देर से कुछ नहीं खाया, कुछ लाइए. मैं तुम लोगों के लिए ना चाय बना कर लाती हूँ. थोड़ा पानी भी मिलेगा प्लीज? पानी लेकर आती हूँ. आओ ना आ जाओ बैठो. नहीं नहीं मैं वो ये लखनऊ शहर का खाना वाकई बहुत टेस्टी है ना, मतलब कुछ भी खाओ तो टेस्टी ही होता है ना मुनिया. मुनिया मुनिया
तुम मुनिया, मैं चुनिया, मुनिया चुनिया। बेटा बेटा पकोड़े खा लो, गर्मा गर्म है। मैं मुनिया। वाकई यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता है, मुझे तो लगता है खा खा के किसी दिन मेरा वजन ही बढ़ जाएगा। बेटा चाय लो। नहीं 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 नहीं, चाय दूर करो, दूर करो, चाय को दूर करो, चाय को। क्या हुआ आपको? अब घबराने की जरूरत नहीं है, वो कुछ महीने पहले खोलती चाय जो है वो उनके पैरों पे गिर गई थी तो पैर जल गया था। एक हफ्ता तक वो बिस्तर पे ही थी इसलिए घबरा जाती है चाय को देख के। अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है, हादसा ही तो था ना, हो गया, उसके लिए हर दिन क्या डर डर के जीना, उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। यही समझाने तो हम आए हैं यहाँ पर तुम्हें ना, मतलब दिक्कतें जिंदगी में रहने ही वाली है। आज ये दिक्कत है, कल दूसरा दिक्कत आ जाएगा, तो क्या हम हार मान के बैठ जाएंगे? कौन है आप दोनों? ये SI करिश्मा सिंह है और मैं कांस्टेबल संतोष शर्मा, साइबर एक्सपर्ट, महिला थाना जनपद लखनऊ। नहीं 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 नहीं, आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम यहाँ आपके लिए आए हैं, आपका ये डर निकालने आए हैं, आपकी समस्या का हल निकालने आए हैं। हम पे विश्वास कीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपका ये डर दूर कर सकते हैं, हमें बस बताइए कि समस्या क्या है। इनके गुजर जाने के बाद मैं काफ़ी अकेली हो गई थी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन जो हुआ वो मैं भुला नहीं पाई। फिर सोचा कि काम करूं, बिजी रहूंगी तो दिमाग डाइवर्ट होगा, मैं अपने लायक काम ढूंढने लगी और ऑनलाइन मुझे एक जॉब भी मिली। इंग्लिश नोवेल का हिंदी में अनुवाद करना था, जॉब मेरे टेस्ट का था और मुझे काम अच्छा भी लगा। मैंने उसी वक्त इंटरनेट पे ऑनलाइन जॉब ऑफर करने वाली कंपनी को कॉन्टेक्ट किया और उनसे बात कर ली, मुझे जॉब मिल भी गया और सैलरी भी 2 लाख रुपए तय हुई। जॉब के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट आया उसमें एक शर्त ये भी थी कि ट्रांसलेशन ड्राफ्ट में 20 से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। अच्छा फिर? और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया क्योंकि मुझे अपनी डेडिकेशन और सिंसेरिटी पर पूरा पूरा भरोसा था। मैंने 18 से 20 घंटे नॉनस्टॉप काम किया, मैंने पूरे दिल से, पूरी लगन और मेहनत से काम किया, मैंने उन्हें अपना बेस्ट दिया। लेकिन जब मैंने अपना काम कंपनी में सबमिट कराया तो उन्होंने उसमें जबरदस्ती की मिस्टेक निकालना शुरू कर दी जो कि बिल्कुल सेंसलेस थी, जैसे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया, कैरेक्टर डायलॉग के आगे डैश डैश 5 बार की जगह 3 बार क्यों लगाया। ऐसी बेतुकी और सेंसलेस गलतियों की वजह से उन्होंने मेरा ड्राफ्ट कैंसिल कर दिया। ये क्या बकवास है? ये तो बस शुरुआत है मैडम, असली कहानी तो आप अब सुनिए। पहले मुझे लगा कि ये लोग मेरी मेहनत का पैसा खाना चाहते हैं, लेकिन मामला तो कुछ और ही था। क्या? इनके कॉन्ट्रैक्ट में एक हिडन क्लॉज और था, अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से टर्मिनेट होता है तो मुझे उनकी कंपनी को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तब से उन लोगों ने मेरी लाइफ को जहन्नुम बना दिया, उन्होंने मुझे हरास करना शुरू कर दिया, मुझे धमकी भरे फोन आने लगे, बेनाम चिट्ठियां आने लगी और जेल जाने की धमकी देने लगे। क्योंकि जो भी हो रहा था वो लीगली सही तो हो रहा था, पुलिस भी उनका क्या बिगाड़ सकती थी। मेरे अकाउंट में घर खर्च के लिए सिर्फ 1,30,000 रुपए थे, मैंने वो सारे उन्हें दे दिए, फिर भी उन्होंने मुझे टॉर्चर करना जारी रखा। इसकी मैया की सासू मैया, तुम इन घटिया लोगों का नाम नंबर आता पता सब दो हमको, हम निकालते हैं इन जालसाजों की जालसाजी का पूरा रस। एक काम करो, तुम कल हमसे मिलने आओ थाने में, इन मकारों को तो हम देखते हैं। मीरा जी, आपको आइडिया नहीं है, मेरी होने वाली माँ के लिए मेरी बीबी ने बहुत तैयारी की है। होने वाली माँ? माँ की, होने वाली बीबी के लिए मेरी माँ ने बहुत तैयारी करके रखी है। बहुत बरसों पहले बारात में कंगन चुराया था, वो संभाल कर रखा है अपने बहू को देने के लिए सुनार के पास। पैर ऊपर। आप नजर रखे सुनार के पास क्यों? गिरवी रखा है, बुरा वक्त चल रहा था ना, तो लेकिन अभी छुड़ा लेंगे हमारी शादी पर। पैर ऊपर। तुम्हारी मैया की सासू मैया, हाँ तुमको हम सजा देके गए थे, तुम यहाँ मजा लूट रहे हो, तुम्हारी तो। मीरा करंट मारो अभी के अभी। हमाओ हमको नहीं, जड़ बुद्धि उसको करंट मारो, बिल्ले को। आयुष्यो sure?
ये कबाब बन जाएंगे। जितना तुमको कह रहे हैं ना मीरा, तुम बस उतना करो। ओके। नहीं। लग गए 440 वोल्ट करंट लग गए। पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो सचमुच करंट मारती है। संतु, मीरा, ये उस वेबसाइट का एड्रेस है जिसने निशा को फंसाया। इसका पूरा डिटेल हमको निकाल कर दो अभी के अभी, तुरंत। ओके मैडम। संतु, जिस नंबर से निशा का फोन आया था उसका पूरा आता पता हमको निकाल कर दो अभी के अभी। करिश्मा मैडम, प्लीज मैडम, हमको माफी दे दो। हम बिल्कुल ऐसा मजाक नहीं करेंगे। देखो, इस जहाज का फ्यूल खत्म हो गया है, लैंडिंग का परमिशन दे दो। जाओ जाके रिकॉर्ड रूम से सारा चूहा साफ करो। सारा फाइल कुतर डाला उन चूहों ने हमारा। एक भी चूहा दिखाई दिया ना बिल्ले हमको, बता रहे हैं तुमको अगली बार टाइटैनिक बनाएंगे। समझ लो हमारी बात को। भागो भागो यहाँ से, कटो। निशा के साथ जो ये फ्रॉड हुआ है, ये बहुत बड़ी साजिश है जिसके शिकार निशा जैसे और भी हो सकते हैं। चूहे, सामने आ जा, तेरी मौत खड़ी है। बिल द स्पाय, चूहे। बिल द स्पाय चूहे से लड़ाई खराब लगता है। टक्कर का नहीं है, टक्कर। चूहे को नाम देते हैं गब्बर। गब्बर की टोली, गब्बर वर्सेस बिल द स्पाय। गब्बर, बिल द स्पाय तेरी मौत बन के सामने खड़ी है। कहाँ छुपा है? कहाँ छुपा है गब्बर? आ जा। चुआ, हाँ छेदे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बैठो बैठो बैठो। करिश्मा मैडम, हाँ, ये निशा वाले केस में ये जो ऑनलाइन वेबसाइट फ्रॉड है ना, इसमें मैंने 4 अलग अलग लड़कियों के नाम पर फेक अकाउंट बनाए हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेशन की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा। अब तक कोई रिवॉर्ड नहीं आया है। और रिवर्ट नहीं आया उसका मतलब आईपी एड्रेस नहीं पता चलेगा। आईपी एड्रेस नहीं पता चलेगा मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी तो मतलब हम उन्हें पकड़ ही नहीं पाएंगे मैडम, वो हमारे हाथ ही नहीं आएंगे। मीरा, वो वेबसाइट के बारे में कुछ मालूम हुआ? ये वेबसाइट 4 साल पहले कोलकाता में बनाई गई थी और अब ये डोमिन स्टेट में है। अगर ये वेबसाइट बंद है तो हमें कैसे पता चलेगा कि निशा के साथ फ्रॉड किसने किया है? चीते, एक चाय। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं पीना है हमको। हमारे लिए। उसको बोलना जहर ना बनाए, ढंग का चाय बनाए, समझ गए? ठीक ठीक मैडम, ठीक। जाइए। हाँ पुष्पा जी, मर गया, मर गया, मेरा पैर मर गया। पिंजरा, गब्बर का फांसी का फंदा, लेकिन ये गब्बर पकड़ में नहीं आया। होशियार है बंदा। इसमें नहीं फंसा। गब्बर को पता है ये पिंजरा है, पिंजरा द ट्रैप। ओके गब्बर, अब मेरी आईडी देख। संतु, जिस नंबर से निशा को कॉल आया था हमने कहा था पता लगाओ, तुमने पता लगाया? जी मैडम, ये राजस्थान का कोई प्रीपेड नंबर है जो पिछले 1 हफ्ते से डीएक्टिवेटेड है। हर तरकीब फेल हो रही है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करिश्मा,
निशा क्या कर रही हो? कौन है ये? यही है वो जिसने मुझे चीट किया था। धोखे से इसने मुझे कंपनी के जाल में फंसाया था। पकड़िए इसे और जेल में डाल दीजिए। तुम्हारी मैया की सासू में, भाग हटो। अभी भेजा उड़ा देंगे, सबको पीछे जाओ। रे बुआ ऐसे ना, बंदूक नीचे कर, बात कर लेते हैं, गोली उली चल जाएगा। हाँ फटाइए, कहना टाइए, तुरंत इसका भेजा उड़ा देंगे, हमको जाने दो। सुनो, हमारा सर्विस गन निकलेगा ना, तुम्हारे भेजे का चीथड़ा हो जाएगा, समझो हमारी बात को। हटाओ गन, हटाओ, हमको जाने दो, हम वरना इसको मार देंगे कसम से। अभी जाना तुम जाओ, लेकिन गन हटाओ। एक बंदे को पकड़ नहीं पा रहे हो, क्या कर रहे हो? निशा क्या हो गया? आप ठीक तो है? बताइए, लल्ला के सपने देखने चाहिए ना, देखे जा रहे किसके सपने? निशा के। हमारे लल्ला के तो भाग ही हो गया। पुष्पा जी क्या हुआ? आपकी आंख लग गई थी तो हमने उठाया नहीं आपको, हुआ क्या? आप ठीक तो है ना? पुष्पा जी हमें हमें निशा को कैसे भी करके इंसाफ दिलाना है। आपको पता है मैडम सर हम पर कितना भरोसा करके गई हैं? पता उन्होंने हमें क्या कहा? उन्होंने कहा करिश्मा सिंह आप हो तो हमें किसी भी बात का चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप हो तो समझो हम हैं। इतना बड़ा बात उन्होंने हमसे कह दिया। कहने लगी कि तुम थाने की गरिमा संभाल लोगी। आज तक जो भी हमारे थाने में आया है उसको इंसाफ मिला, और करिश्मा सिंह हमको पूरा यकीन है कि तुम उस परंपरा का पालन करोगी। बताइए, इतना विश्वास अगर कोई आप पे करके जाता है तो क्या आपका मन नहीं करता कि आप उस विश्वास पर खरा उतरे? और हमको उतरना है, हमको हमको ये केस सॉल्व करना है, हमको निशा को इंसाफ दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पुष्पा जी जानते हैं और देख भी सकते हैं, निशा की सास जब आई थी ना अपनी बहू के लिए मदद मांगने, आपने जिस तरीके से उनके साथ बात की थी, जिस समझदारी से, जिस ठहराव से, जिस अपनेपन से उन्हें यकीन दिलाया था कि यहाँ इस थाने में उनकी बहू को जरूर इंसाफ मिलेगा, आपको नहीं समझ में आएगा मगर हमने देखा, आप बिल्कुल मैडम सर की तरह बात कर रही थी। एक पल के लिए तो हमें लगा कि मैडम सर ही हमारे सामने खड़ी है। आप एकदम सही दिशा में जा रही है, हम सब आपके साथ हैं। देखिए हमें तो पूरा भरोसा है कि आप निशा को जरूर इंसाफ दिलाएंगी, ये केस बहुत अच्छे तरीके से सुलझाएंगे। पुष्पा जी हमें याद आया एक बार ऐसी एक स्थिति में मैडम सर ने वही अपने अंदाज में, अपने हाथ पीछे बांधकर, अपनी वही गहरी और गंभीर आवाज में, अपने वर्ल्ड फेमस मुस्कुराहट के साथ कहा था, तजुर्बा कहता है हमारा, सूरत छुपे बदली में, चांद छुपे अमावस जब आए, चोर छुपे अंधेरे में, मोर छुपे ऋतु सावन जब आए, कितना ही जोर लगा ले ये आंधी, सत्य का दीपक बुझे ना बुझाए। टेंशन नहीं इसमें। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैम जी। हाँ निशा क्या हुआ बताइए, हमको कोई सुराग मिला मैडम उन लोगों का? नहीं, प्रयास चालू है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, हम पे विश्वास रखो। मैं समझ सकती हूँ, मेरे केस में उन लोगों को ढूंढना ऐसा है जैसे रेगिस्तान में सुई ढूंढना, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप ये काम जरूर कर लेंगी, मेरा मन कहता है। तजुर्बा कहता है हमारा, जहां ना चले बल वहां खेलो छल, कल नहीं पकड़ पाए लेकिन आज नहीं बचेगा बिल्लुदोष पाए। बिल्लुदोष पाए, आईडिया सक्सेसफुल। ओहो कपूर, आराम से, आराम से। बिलो तो स्पाई से पंगा, घूम रहा है तो नंगा। बोला था ना मैंने पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ये पिंजरा तुम्हें पता नहीं चलेगा द ट्रैप। बिलो तो स्पाई चूहा, चूहा होता ना अपने खाने पे झपट्टा मार के आंख झपकती कैसे अपने बिल में छुप जाता है, ये जितने भी जालसाज है ना ये बिल्कुल ऐसे ही है, चूहे जैसे अपना शिकार करके अपने बिल में छुप जाते हैं, इनको इनके बिल से बाहर निकालना है हमको। मिल गया। चूहे को पकड़ लिया? कैसे?
जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिलू द स्पाई ओह माय गॉड हाय क्या है इंसान और चूहा दोनों की कमजोरी है लालच इसको मैंने पनीर दिखाया और इसको अंदर कर लिया सो सिंपल मर गया बिलोटा का आइडिया दिया है तुमने तुमको पता नहीं है आज बिल्ले तुमने साबित कर दिया है कि तरबूजा तरबूजे को देख के रंग बदलता है अमा तुम ना एकदम हमारी तरह सोचने लगे हो समझ रहे हो तुम हमारी बात को क्या आइडिया दिया है मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैंने आपको आइडिया दिया और मुझे पता नहीं और वो तरबूज नहीं खरबूजा खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है ये कहा हाँ हाँ ठीक है काम हो गया ना बात खत्म नहीं मगर ऐसा कौन सा आइडिया दिया बिल्ले ने जो आप इतनी खुश नजर आ रही है चल कह रहे हैं आपके दिमाग में क्या करने वाली हैं अब हम बताकर नहीं अब हम करके दिखाएंगे पुष्पा जी आप तेल देखिए ना और तेल की धार देखिए जिंदा है कि मर गया अरे उठ उठ हाँ हाँ बहुत बढ़िया थैंक यू नहीं नहीं तुमको नहीं कह रहे वो हमारा आदत है बात बात पे बहुत बढ़िया कहने का समझो हमारी बात को एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप बताएंगे ये सब क्या चल रहा है पुष्पा जी ये वो पनीर का टुकड़ा है सच में पनीर जैसे सफेद ही है मेरी मीरा अरे हम सबकी मीरा हमारी मीरा दुनिया की मीरा वो करके दिखा जो तुमको बोला था ओके जेवु ले दे सोले वे दी दोन तेली दी ते ये दी फोटो दो बोदु मे द मोजा दिन दिवे का बोली रे चाय में दुबुदु एक मिनट ये कौन सी भाषा में बकैती कर रही हो तुम फ्रेंच नहीं 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 सिर्फ अंग्रेजी ओके लेकिन जो कुछ बोला है समझ में नहीं आया लेकिन यहां लगा है अब कहाँ लगा यहाँ जोर का लगा है करिश्मा जी आप बताएंगी आपके दिमाग में क्या चल रहा है बिल्कुल बताएंगे पुष्पा जी संतु तुमको पता था करिश्मा मैडम ने ये सोचा है कि अब हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन करेंगे जिसका नाम होगा टाइमलेस स्टोरीज ये एक यूएस बेस्ड इंटरनेशनल डिजिटल बुक लाइब्रेरी वेबसाइट है जिसका काम होगा दुनिया भर में जितने भी लेखक है ऑथर्स है उनकी हर एक किताब को हर एक भाषा में डिजिटल मार्केट के थ्रू बेचेंगे और मीरा होगी उस कंपनी की यानी कि टाइमलेस पब्लिकेशन की मैनेजर कम मार्केटिंग डायरेक्टर हाँ उन लोगों ने चूरन बनाया निशा को कितना वेतन दे के 2 लाख का हम लोग उनको चूरन बनाएंगे 2 करोड़ का वेतन दे के समझ रहे हमारी बात को हम मीरा का वो वीडियो अपलोड कर देंगे उस वेबसाइट में जिसमें मीरा अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाएगी ये है वो पनीर का टुकड़ा जिसका हम आपसे बात कर रहे थे ये पनीर के टुकड़े को सूंघ कर जो चूहे हैं ना वो अपनी बिल से निकल कर बाहर आ जाएंगे और जब बाहर आएंगे तो बाहर उनके लिए तैयार होगा कानून का पिंजरा ये बच के कहीं नहीं जाएंगे हमारे हाथ से बिल्कुल हसीना मैडम ना ये मैं इतना ब्रिलियंट हूँ इतना बढ़िया आइडिया दिया मुझे पता ही नहीं तो सब तैयार है yes, yes, madam. अरे वाह बिल्ले तुमने तो मैडम सर के केबिन का रूप रंग ही बदल दिया एकदम अमेरिका का ऑफिस लग रहा है माँ इनबिल्ट टैलेंट है मेरा मैडम ऑल द बेस्ट एकदम गर्दा उड़ा दीजिए हम यहाँ कुछ उड़ाने नहीं वीडियो बनाने आए हैं हो गया सुन लिया करवा ली मस्ती संतोष जी हम तो इनका हौसला बढ़ा रहे थे कहाँ बकैती चल रही है हाँ भाई साहब आपको कितना टाइम लगेगा बस हो गया ना मैडम मैं क्या कह रहा हूँ इनको मेकअप की क्या जरूरत है खुदा ने खुद अपने हाथों से मेकअप करके भेजा है और चूने पे चूना पोतने का क्या फायदा पहले से गोरी चिट्टी है तुमको लाल करें नो थैंक्स मैं माइकल लाल ही ठीक हूँ बहुत बढ़िया भाई साहब आपको कितना देर है 2 मिनट लगेंगे हाँ ठीक है हेलो एक्सक्यूज मी कैमरामैन
एक ना हैंडसम लड़का है और खूबसूरत लड़की, उनके ना शादी का वीडियो बनवा। कब है आपकी बेटी की शादी? आया स्वाद, मजा आया बिल्ले आया। हाँ देखिए निशा आती होगी, हमें आगे का प्लान समझाना, जल्दी इधर आइए। जल्दी आओ, चल दो। ठीक है, समझ गए साहब? जी मैडम। ठीक है, हमें हेडक्वार्टर जाना है, हमें डीएसपी सर ने बुलाया, हम फटाक से आएंगे। उससे पहले निशा आएगी तो जाके सब संभाल लेना, ठीक है? जी ठीक है। जी चलो 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 चलो। I can help you? No. Thank you. ये सब क्या है? और करिश्मा मैडम ने इतनी हड़बड़ाहट में हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर है कहाँ करिश्मा मैडम? वो हेडक्वार्टर्स गई है अर्जेंट मीटिंग के लिए, बस आती होगी। आप ये सब छोड़िए और आप ये बताइए, जिन लोगों ने आपको इस ट्रैप में फंसाया है, आपको ठगा है, उनको पकड़ने में आप हमारी मदद करेंगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? उन जालसाजों को पकड़वाने के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। आप बताइए क्या करना है? सुनिए, संतू जी अंदर कैमरा हमारा सब कुछ रेडी है, यहाँ पर सब कुछ रेडी है। आई थिंक बस और दो मिनट लगेंगे। हाँ स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा टचअप चल रहा है। संतू जल्दी करवाइए ना, करिश्मा मैडम के आने से पहले हमको सब कुछ निपटाना है। हो गया? हो गया, ओके चल। थैंक यू। मीरा मैडम रेडी? रेडी। ओके एक्शन। Hey friends, हमारी कंपनी का नाम Timeless Stories है, जो कि एक USA based international digital book library है, जिसका काम है दुनिया भर के authors, writers की books को, novels को translate करना और दुनिया भर के book lovers, bookworms में उसे बेचना digitally. हमारी कंपनी ने एक सर्वे किया, जिसके थ्रू हमको पता चला कि इंडिया में book lovers का बहुत ही बड़ा market है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इंडिया में 10 कंटेंट कंपनीज को हायर करेंगे, जिनका काम होगा हमारी रिलीज्ड बुक्स को इंडियन मार्केट में मैनेज करना, उनका मार्केट हैंडल करना। इस प्रोजेक्ट का बजट 100 करोड़ रुपीस है, जिसकी वजह से हम हर कंपनी को 10-10 करोड़ रुपीस इंडिविजुअली एनुअल फीस पे करेंगे। इन सारी कंपनीज का सिलेक्शन हमारी कंपनी के ऑथराइज मेंबर्स 3-3 के ग्रुप्स में वीडियो कॉल्स के थ्रू करेंगे। उसी के बेसिस पे ये 10 कंटेंट कंपनीज डिसाइड होंगी। तो अगर आपकी कंपनीज को ये मंजूर है तो प्लीज हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टेक्ट करें, अपनी कंपनी के डिटेल्स हमें मेल करें, एंड देन लेट्स वर्क टुगेदर। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। क्या बात है, इतना लंबा डायलॉग एक फ्लो में बोल डाला। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पूरी बुक एक सांस में बोल सकती हूँ। नहीं नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर और थोड़ा समय मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ही मिलेगा ना, तो भी वो पूरी एक किताब फट बोल सकती है। हाँ भाई, हुआ काम हुआ? हाँ हाँ, मीरा जी की रिकॉर्डिंग हो गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी रिकॉर्डिंग जो है ना, उन सारे धोखेबाजों को उनके बिल से बाहर निकालेगी, देखना। नहीं मैडम, आपका प्लान ना बहुत बढ़िया है, हमको ना पूरा यकीन है कि वो लालची लोग ना आपका फंदा में फंसेगा ही फंसेगा। ये तो था प्लान का स्टेप नंबर 1, अब बारी है प्लान के स्टेप नंबर 2 की। मैडम ये है वो वेबसाइट जो हमारे प्रोफेशनल ने बनाई है और जिसे फेक प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बढ़िया संतू, बहुत कमाल का काम की हो तुम ना, सच में। थैंक यू ना, थोड़ा और पक्का काम हो जाए ना तो और मजा आ जाएगा। थोड़ा विश्वसनीय समझ लो, बिल्कुल भी उनको शक नहीं होना चाहिए, सारा काम हमारा एकदम चौकस होना चाहिए। एक आइडिया है, दुनिया में जितने भी फेमस राइटर्स हैं ना, उन सबके वीडियोस हम हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, जिससे लोगों को लगेगा कि हमारी वेबसाइट से बहुत बड़े बड़े राइटर्स जो है वो जुड़े हुए हैं और हमारी वेबसाइट को कितना मानते हैं। भाई ये तुम पहले का ही नहीं बताई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सब 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 चेप दो हमारे वेबसाइट पे, कोई भी नहीं बचना चाहिए, कोई भी बड़ा नाम, कोई भी बड़ा लेखक, सबके इंटरव्यू हमारे वेबसाइट पे होने चाहिए, ताकि जो भी हमारा वेबसाइट खोले वो विश्वसनीय लगे और एकदम ना उनके तोते उड़ जाए हमारा वेबसाइट देख के। समझ रहे हमारी बात को? आज रात को हम अपनी वेबसाइट को एक्टिवेट कर देंगे और अगर भोलेनाथ ने चाहा तो ये सारे के सारे शिकार हमारे शिकंजे में होंगे।
टाइमलेस स्टोरीज है. हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इंडिया में 10 कंटेंट कंपनीज को हायर करेंगे जिनका काम होगा हमारी रिलीज्ड बुक्स को इंडियन मार्केट में हैंडल करना, उन्हें मैनेज करना. इस प्रोजेक्ट का बजट 100 करोड़ रुपीस है जिसकी वजह से हम हर कंपनी को 10-10 करोड़ रुपीस इंडिविजुअली एनुअल फीस पे करेंगे. हेलो पुष्पा जी. पुष्पा जी गुड मॉर्निंग. अभी व्यस्त हैं हम. कैसी हो आप पुष्पा जी? हमारी चाय की उधारी कब तक मिलेगी? अगले साल. अगले साल मतलब कुछ दिन बाद? अरे नहीं, वो अगला साल जो कभी ना है. क्यों पुष्पा जी, सही बोला ना. दादा मस्ती सूझ रही तुम दोनों को? अम्मा तुम्हारी चाय पीकर ना तो हम तो तुम पर एहसान करते हैं. पैसे हमको तुम्हें नहीं, तुमको हमें देने चाहिए. अरे पुष्पा जी आप तो नाराज हो गए. हम तो ये कह रहे थे मैडम सर कब आ रहे हैं, उनके बिना मन नहीं लग रहा है थाने में. पुष्पा जी थाने की रौनक ही चली गई. सो तो है, हमें भी उनकी बहुत याद आती है, मगर क्या ही करें, डिपार्टमेंट ने बहुत जरूरी काम के लिए उन्हें भेजा है ना. मगर तुम लोग चिंता मत करो, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे. हमने कहा मैडम सर से कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम थाना बहुत अच्छे से संभालेंगे. लेकिन पुष्पा जी कोई तो हमें बता रहा था कि थाने की पूरी जिम्मेदारी मैडम सर करिश्मा मैडम को देखी गई है. उस नक्चड़ी महारानी को? अरे उनको तो बस तीन ही चीजें करनी आती है, चाबी घुमाना, डंडे चलाना और फिर टोपा उकाबे बोलना बस. वरना बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिलाओ. चलो पुष्पा जी आपको दे रहा मैं बदनाम स्पेशल चाय. अरे वो तो हम हैं जो झेल रहे हैं उनको, वरना हमारी जगह कोई और सास होती ना, वो तो रोज फिर सिलवट्टे पे सर रख के उनका कूटती, मिक्सर में जूस बनाती, वॉशिंग मशीन में धोती. अब क्या बताए तुम, हमारे लल्ला के तो भाग ही चमक गए. अच्छा हमारे लल्ला के भाग चमक गए. ऐसी सुंदर सुशील संस्कारी प्यारी बहू मिली है, बीवी मिली है, वो हम ऐसे आ रहे थे. चाय पियेंगे? ना ना पहले आप पुष्पा जी आप डिसाइड कर लो, आप डिसाइड कर लो कि जो भाग हैं वो चमके हैं या फूटे हैं. हाँ. ना मतलब क्या आप एक तरफ हो जाइए, सेल्फ डिफेंस का हमारी तरफ से भी रास्ता ना क्लियर हो जाएगा, फिर क्या लड़ने का मजा आएगा. और गलती से हमारा बुद्धि बिगड़ गया फिर तो एनकाउंटर तो होते रहते हैं ना, उसमें क्या है, कभी गोली यहाँ से यहाँ लग सकती है. करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम. क्या हुआ संतु, इतना हफिया का रही हो, क्या हुआ? करिश्मा मैडम मुझे निशा वाली फ्रॉड कंपनी नहीं है वहां से रिप्लाई आ गया है. क्या बात कर रही हो? सच में मैडम. ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा हो गया. ये तो कहाँ से मेल आया? जिस मेल आईडी से रिप्लाई आया है ना वो तीन स्टेट में एक्टिव है, तमिलनाडु, गुजरात और यहाँ लखनऊ से. इसका मतलब रैकेट को एक नहीं तीन लोग चला रहे हैं? पॉसिबल है. अरे तो अब क्या करें मैडम? बस 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 बिलोटे बस. क्या बात है अम्मा, देखिए आप क्या लग रहे हैं आप सब. बहुत या तो सुनिए, मीरा ने वीडियो में बोला है कि अपनी कंपनी के लिए जो हमें 10 कंपनियों का चुनाव करना है वो तीन तीन के ग्रुप में हम वीडियो कॉल करेंगे. ठीक है मैडम, लेकिन तीन के ग्रुप में कहाँ है? चीते तीन तीन लोग जब वीडियो कॉल पर बात करेंगे तो जेन्युइन लगेगा. मस्त समझाए हैं आप लोग हमको.
पहला वीडियो कॉल जो है वो पुष्पा जी संभालेगी गुजरात से, बिल्ला संभालेगा तमिलनाडु से, और मीरा तुम बात करोगी उस जालसाज से। जितना लंबा बात कर सकते हो, जितना लंबा खींच सकते हो खींच दो, क्योंकि उस टाइम पे संतु करेगी लोकेशन ट्रेस, और जैसी लोकेशन ट्रेस होगा उस जालसाज को पकड़ेंगे हम। देखिए 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 आप सब लोग हमारी बात सुनिए, ये हमारा पहला और आखिरी मौका है, हम ये अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर ये मौका हमारे हाथ से गया तो सारे वो टोप आदमी जो इसके पीछे लगे हुए हैं, जो ठग रहे हैं लोगों को, वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आप सब समझ रहे हैं हमारी बात को? ना ना मुंडी मत हिलाओ, मुंह से बोलो हाँ या ना। जी मैडम। ओके। हमारी क्रिएटिव टीम ने 3 ऐसी कंपनीज को इंटरव्यू प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया है जिनकी प्रोफाइल्स हमें इंटरेस्टिंग लगे, सो लेट्स बिगिन। वीडियो कॉल शुरू हो गया, कनेक्ट करो, सबको कनेक्ट करो। प्लीज अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। होम मिसेज दीक्षा देसाई फ्रॉम गुजरात थी। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, कृष्णमूर्ति वेंकटेश अय्यर वणक्कम। हाय एवरीवन, आई एम अनुपम त्रिपाठी फ्रॉम लखनऊ। ये है वो टोप आदमी, करो उसका लोकेशन ट्रेस करो। और कितना टाइम लगेगा? बस एक मिनट। हाँ सुनिए, हमारा बात सुनिए, इस टोपा से हमें सारा इन्फॉर्मेशन निकालना है, पर एकदम सीधा सीधा सवाल नहीं करना, टेढ़े मेढ़े सवाल से पूछो, जितना टाइम ले सकते हो लो, जितना कॉल लंबा चलेगा उतना हम सबके लिए अच्छा होगा, समझ रहे हमारी बात को सबके साथ? वेलकम एवरीबॉडी, हम लोग इंटरव्यू शुरू करें। लोकेशन ट्रेस हो गई। चीते ये लैपटॉप लेके हमारे साथ चलो। बहुत बढ़िया संतोष, धन्यवाद। जैसा कि आपने हमारी कंपनी की प्रोफाइल देख ही चुकी है, हमारी कंपनी कई सालों से इस फील्ड में बिजनेस कर रही है। पूरे लखनऊ में हमारे जैसा पब्लिकेशन कहीं नहीं है। वी आर द बेस्ट और हमें ट्रांसलेशन किंग कहा जाता है। दुनिया की हर भाषा में किताब ट्रांसलेट कर चुके हैं, कर रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड प्लान्स हैं हमारे। ओके ओके। हमें लगता है अगर आपकी कंपनी इंडिया में हमारी कंपनी के साथ टाई अप करती है तो ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, ये आपकी कंपनी के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल डील होगी। प्लीज इसे हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारी कैपेबिलिटी समझिएगा। आप कभी लखनऊ आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर एक वृंदावन चौक है। हाँ हाँ तो... पता है नहीं, वृंदावन चौक जवाहर रोड के आगर उंधे हाथ वाला में है। हाँ पाछड़ी तो रहते हैं हम, अपना नगर मानसिंह चौक के पाछड़। पता है पता। आगे बढ़ो पुष्पा जी। पर आपने तो कहा था कि आप गुजरात से हैं, आप गुजरात में रहती हैं ना? माने बंदा रहती वही है, आते जाते रहते, भुसका मार के उधर, भुसका मार के इधर। मतलब अभी आप लखनऊ में? नो, देखो कुछ कन्फ्यूजन, ये जो मैडम है दीक्षा बहन वो गुजरात से है, गुजरात में है, लखनऊ में कैसे हो सकते है? मिनट, आपको कैसे पता चला? आप तो तमिलनाडु से है ना? सेम बिजनेस ट्रांसलेशन का, सेम बिजनेस तो थोड़ा थोड़ा कुछ मालूम है। मैडम मैडम, चूहा को पता चल गया कि उसको फंसाने का चूहेदानी है, इसलिए वीडियो कॉल काट दिया। स्कीम मैया का सासु मैया, हमें रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। राइट राइट मैडम राइट। स्टूपिड ह्यूमंस, ये क्या कर दिया आपने? हमने क्या किया? तुमको इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? क्यों बीच में बोल पड़े तुम? मैं ओवर एक्टिंग? आप ओवर एक्टिंग की दुकान हो, नहीं तो क्या? इसके पिछवाड़े वो नगर, वो सब बताने की क्या जरूरत थी? निशा, ये रहा तुम्हारा गुनहगार, यही वो इंसान है जिसने पता नहीं तुम्हारे साथ साथ ऐसे कितने लोगों को धोखा दिया और उनका जिंदगी बर्बाद किया। केम छो,
मैं जामा वड़का मा। अरे बस बस हो गया। क्या हुआ? तुम ना, तुमको हम वो हवाई जहाज बनाएंगे। मैया कसम बता रहे कि जब जब तुम किसी को धोखा देने का सोचोगे भी ना, तो हमारा मार याद रखोगे। समझ लो हमारी बात को। जितना भी इसने पैसा ठगा ना, ये तुम्हारा सारा पैसा देगा और उन सभी लोगों को पैसा देगा जिसका ये पैसा खा के बैठा है। थैंक यू मैडम, शब्द ही नहीं है मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। ये कौन से शब्द है? इनके गुजर जाने के बाद मैं तो बस अपना घर चलाना चाहती थी, चार पैसे कमा के अपने घर का खर्च उठाना चाहती थी, अपनी सास की देखभाल करना चाहती थी। बस इसी लालच में आके मैं इन जैसे धोखेबाजों के जाल में पड़ गई। मुझे क्या पता था कि ये लोग हम जैसे जरूरतमंद शिकार की तलाश में रहते हैं और साइड इनकम का झांसा देके इतना बड़ा जाल फैलाते हैं। हर रोज ये लोग ना जाने हम जैसे कितने जरूरतमंदों को हड़प जाते होंगे, उनका फायदा उठाते होंगे। देखो बेटा, हम मानते हैं कि जरूरत इंसान की सूझबूझ पर पर्दा डाल देती है, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आसान पैसा जो होता है वो बड़ी मुश्किल साथ लेकर आता है। इसलिए हमें ऐसे लालच और गलत इंसान, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। हमारे हाथ, हमारी किस्मत और हमारी मेहनत, यही तीन चीजें हैं जो हमारे हालात बदल सकते हैं। इसलिए हारिए ना हिम्मत, बिसरिए ना राव, यही एक मूल मंत्र है जीवन का, जो हर संकट से लड़ने की शक्ति देता है। मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। अम्मा नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया अदा किस बात का, यही तो हमारा काम है, सही का साथ देना और बुरे को हवालात में डालना। और आप सिर्फ हमें धन्यवाद मत कीजिए, ये हमारे अकेले के बस का बात नहीं था। हमारा जो टीम है महिला पुलिस थाना, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, तो आप इन सबका भी धन्यवाद कीजिए, बल्कि हम आपकी तरफ से इन सबको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। थैंक यू, ये आप सबके लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.